जय श्री कृष्ण। आज अपन दशहरा में आते हैं, माट की सामग्री देखेंगे। सामान्यतः ये मठड़ी को ही प्रकार है, ये बड़ी साइज की और मोटी साइज की है मठड़ी होवे हैं। तो ये 10 नंग दशहरा के दिन भोग में आवे हैं, जब अपन जवारा धरा है भोग संध्या में तभी। और यहाँ मैंने गुरु सेवा में आते मीडियम साइज दिखाए हैं, आप चाहो आपके घर में तो बड़ी साइज भी सिद्ध कर सको हो। तो देखिए अपन यहाँ की बनावे की विधि। माट के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं को आटा लियो है, घी 4 टेबल स्पून जितनो, आधी टी स्पून सफेद तिल लियो है, और तलवे के लिए घी और चाशनी के लिए चीनी। तो अपन ने घी यहाँ गरम कर लियो है और अब यहाँ में अपन घी पदरा देवेंगे, मौन को घी। मैदा में से भी आप माट से भी कर सको हो, लेकिन मैं गेहूं के आटे में से दिखा रहा हूँ। और तिल पधरावेंगे, मौन अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर जल सुया को पराठे जैसा मीडियम आटा अपन गूंथ देंगे। मैंने मौन दे दियो है घी को अच्छे से, और अब यहाँ में जल सु अपन आटा गूंथेंगे। ये आटा नॉर्मल रोटी वाला ही आटा है, जो अपन रोटी बनावे में वापरे वही आटा है ये। पानी थोड़ो थोड़ो करके ही पधरावे को, ढीलो बहुत नहीं हो जानो चाहिए अपना आटा। नॉर्मल जो पराठे में अपन लगा रहे ऐसे ही आटा लगा रहे अपन को। आटा मैंने गूथ लियो है, अब देख सको कि बहुत ढीलो नहीं है और बहुत कड़क भी नहीं है, ऐसा आटा मैंने गूथ लियो है। अब ये 1 कप आटा है, तो यहाँ में से मैं 2 पोर्शन करूँगा। 2 माट सिद्ध होवेंगे, आपको 10 सिद्ध करने हो माट तो फिर आप अंदाज से 5 कप जितना आटा लीजिए, तो आपके मीडियम साइज के माट सिद्ध होवेंगे। तो याकू मैं आप बेल लूंगा, यहाँ पर मैंने ये माट बेल लियो है और यहाँ में मैंने छेद कर दिए, देख सको आप कितनी मैंने मोटाई रखी है। मठड़ी सू भी थोड़ी मोटी रखवे की याकू, और ये गेहूं को आटा है तो किनारी से थोड़ा फटेगो, तो मैंने हाथ से यौ यौ करके दबा के अच्छो सो शेप दे दियो है। थोड़ो सो फटेगो तो या सो ये सावधानी रखनी पड़ेगी अपन को, और यहाँ मैंने छेद कर दिए हैं। और घी यहाँ गर्म हो गया है अपनों, तो अपन 1 माट 1 समय में तलेंगे। तो ये मैंने यहाँ तलवे पधरा दियो है, तो ये अपन को मीडियम स्लो फ्लेम पे ही आको अच्छे से तलवे को है। अंदाज से 25 मिनट से 30 मिनट जितना समय लगेगा याकू तलवे के लिए। 2 से 3 मिनट हो जावे फिर अपन को एक वक्त पलट देवे को, जो नहीं पलटेंगे तो कढ़ाई को शेप गोल जैसे हो जावेगा नीचे से, तो अपन को सीधो रखवे को है माट को, तो अपन को या को पीछे तुरंत ही पलट देवे को, तो ये माट जो है वो सीधो बनेगा अपना। या लिए मैंने याकू पलट दियो है, और अब याकू सीझे देवे को तो अंदाज से 20 से 25 मिनट तक बीच में अपन याकू पलट देवेंगे। फिर से अंदाज से 20 मिनट हो गया है समय, और ये अच्छे से पक गई है। अब देख सको याको रंग, ये गेहूं के आटे में से बनेगी तो थोड़ा याको रंग डार्क होएगो। तो अब याको अपन बाहर पधरा लेवे, यहाँ तरह सो डार्क कलर आना चाहिए अपना। अब दूसरों माट भी मैं तलवे के लिए पधरा ले रहे हूँ, अपनो यहाँ पे दूसरों माट भी चल के तैयार हो गए हैं, और याको भी अपन ने ऐसो डार्क ही थोड़ो ब्राउनिश जैसे शेड आवे ऐसो ही अपन को करवे को है। तो अब याको मैं निकाल लूंगा बाहर, या थाली में मैं माट को पधरा दूंगा। अब ये माट कम्प्लीटली ठंडे हो जाए, अंदाज से 6-7 घंटे तो मिनिमम याको ठंडो करवे को, फिर याके ऊपर अपन चाशनी चढ़ावेंगे। यहाँ पर मैंने एक पात्र में मैंने 1.5 कप चीनी रखी है, और चीनी डूबे उतना ही जल पधरायो है, और याकी अपन गाढ़ी चाशनी करेंगे। अंदाज से 3 तार जितनी चाशनी, 85 जैसी चाशनी अपन को जो माट सिद्ध किया है या के ऊपर चढ़ावे के लिए अपन को करवे की है। तो याकू मैंने उबाल में रख दी है, और याकू अपन बीच बीच में चलाते रहेंगे। अपनी चाशनी यहाँ तैयार हो गई है, ऐसी जो 85 में वापरे अपन ऐसी चाशनी करवे की। अब मैं गैस बंद कर लूँगा, और यहाँ में मैं इलायची पाउडर बदलाऊँगा,
और अब याको 203 मिनट तक अपन को फेंटवे की है, जब तक ये जो क्रिस्टलाइजेशन जैसे होए लगे अपन को लगेगा नीचे से कि अपनी चाशनी नीचे से अब जमवे लग गई है और ओपेक हो जाएगी अपनी चाशनी। अभी जो ट्रांसपेरेंट है वो नहीं रह के ओपेक हो जाएगी। तो फिर अपन याको डिप करेंगे। चार मिनट के लिए अपने चाशनी को पेंट लिया और अब ये चाशनी एकदम से क्रिस्टलाइजेशन जैसी हो गई है, ओपेक हो गई है। तो अब यहाँ में अपन माट पधरावेंगे और यहाँ के ऊपर चाशनी पधरा के अपन यहाँ थाली जो मैंने ग्रीस करके रखी है वहां में अपन ढाल देवेंगे, पधरा देवेंगे। यही तरह से मैं दूसरी जो माट है वो भी यहाँ मैं डिप कर लूँगा। और जब ये अपन 10 माट बनावेंगे तो अगर चाशनी अपनी जम जावे तो फिर से या को गरम कर लेवे को और एकदम एक चम्मच जितना जल वहाँ में पधरा देवे को, तो फिर से अपनी चाशनी पतली हो जाएगी डिप करवे जैसी। और अब जो चाशनी बची है वो या के ऊपर अपन चढ़ा देंगे एक्स्ट्रा। दस पंद्रह मिनट में अपने जो माट जो है वो जम जावेगे। ये अपने माट ठंडे हो गए हैं और याको मैंने एक डिब्बा में पधरा दूंगा मैं। आप देख सको चाशनी सभी ओर से बराबर चढ़ गई है और आपको दूसरो लेयर भी याके ऊपर चढ़ाना हो तो ये जम जावे, फिर उसको एक दूसरो लेयर भी चढ़ा सको। तो आज अपन ने या प्रकार से माट बनावे को देखियो। यहाँ मैंने एक कप को मेजरमेंट लेके दो माट दिखाए हैं। आप 10 माट सिद्ध करने हो या साइज के तो फिर आप 5 कप ले सको हो आटा या फिर मैदा, दोनों में से कोई भी एक ले सको हो। और ज़रूर से आप ये सिद्ध कीजिए और प्रभु को दशहरा में अरोगाइए, बहुत सरलता से ये सिद्ध हो जाएगी। और आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो शरद के उत्सव आवेगे बाकी भी रेसिपीज अपन देखेंगे और मिले अपन अगले वीडियोस में। और दशहरा की खूब खूब बधाई सबन को। जय श्री कृष्ण।